एशिया कप के सुपर फोर मैच में टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के विकिपीडिया पेज से छेड़छाड़ करके उन्हें खालिस्तानी बता दिया गया। मुद्दा गरमाने के बाद केंद्र ने विकिपीडिया के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विकिपीडिया का पेज कोई भी एडिट कर सकता है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले पूरा मामला समझते हैं। 4 सितंबर को एशिया कप सुपर फोर के मैच में पाकिस्तानी पारी के 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने आसिफ अली का कैच छोड़ दिया था। भारत की हार के बाद अर्शदीप सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। उनके विकिपीडिया पेज से छेड़छाड़ की गई और उन्हें खालिस्तानी बता दिया गया। हालांकि विकिपीडिया ने थोड़ी ही देर में इस गड़बड़ी को ठीक कर लिया, लेकिन इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस जारी किया है। सीनियर सरकारी अधिकारियों के मुताबिक विकिपीडिया की एडिटिंग से जुड़ी इस घटना से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होने के साथ ही कानून व्यवस्था बिगड़ने का भी खतरा था। अब जानते हैं कि विकिपीडिया पेज कौन कौन एडिट कर सकता है। दरअसल विकिपीडिया आर्टिकल्स में सबहेड के बगल में एक एडिट बटन होता है। इस एडिट बटन पर क्लिक करके कोई भी पेज के उस वर्जन पर पहुंच सकता है जहां से उस आर्टिकल में चेंज किए जा सकते हैं। विकिपीडिया के मुताबिक आर्टिकल में कोई भी चेंज कर सकता है, लेकिन हम आंख मूंद कर नहीं बैठते। कुछ यूजर्स इतनी गलत बातें लिख देते हैं कि हमें उनके एडिटिंग राइट्स को बैन कर देना पड़ता है। कुछ जानकारियां इतनी नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं कि हम उसे तुरंत और स्थायी रूप से हटा देते हैं। अब सवाल उठता है कि विकिपीडिया पर जो भी कोई चेंजेस कर रहा है उसका पता कैसे लगाते हैं। पेज में गलत जानकारी जोड़ना और पता लगाने से बचना आसान नहीं है। अगर आप अपनी पहचान छुपाकर कोई चेंज कर रहे हैं तो विकिपीडिया आपके आईपी एड्रेस से या आपके एडिटिंग पैटर्न से आपका पता लगा सकता है। ऐसे मामलों में विकिपीडिया आपकी ओर से जोड़ी गई गलत जानकारी को हटाकर आपके एडिटिंग राइट पर रोक लगा सकता है। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।